हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इजी क्वेश्चन है, हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है आपको। लेकिन देखिए, डेसिमल से पहले आपको सिंपल नंबर के एक्सपेंड करने तो आते ही था, 1, 10, 100, 1000, 10,000 and 100। लेकिन डेसिमल, आफ्टर डेसिमल के बाद 10, 100, 1000 ऐसे हम राइट करेंगे। जैसे फॉर जो गिवन है हमारे पास 20.03, अब इसको आप राइट करोगे 110, इट मीन 0 किससे मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 10, 2 किससे मल्टीप्लाई 10 से, 10 प्लस, अब आफ्टर डेसिमल के बाद 10th, 100th, 1000 ऐसे राइट करेंगे हम, प्लस, तो 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, 1/10 से स्टार्टिंग होती है डेसिमल के बाद, प्लस नेक्स्ट जो हमारे पास डिजिट है 3 मल्टीप्लाई 1/100, और अगर आगे एक डिजिट होती तो उस डिजिट से मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई 1/1000 1/10,000 ऐसे चलता सॉम। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में 1/10, ये 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 10th, इट मीन 0 1/10 से मल्टीप्लाई, ये 100th 3 1/100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए सिंप्लीफाई करके 20 प्लस 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 3/100। तो हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, हमारे पास आंसर उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको राइट करना। सेकंड 2.03। अब देखिए 2.03 में 1 प्लेस पर है, इट मीन्स 2 × 1, प्लस डेसिमल के बाद प्लस 1/10 से मल्टीप्लाई, ये 1/100 से मल्टीप्लाई, 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100, इट मीन्स जो डेसिमल की बात आप कैसे रीड करोगे, 10th, 100th, 1000, 1/1 में चलेगा सब, 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/100 से, आगे भी डिजिट होती तो 1/1000 से, 1/10,000 से ऐसे चलता रहता हमारे पास। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 2.03, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे राइट करें। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 1, 3, 7, 8। अब इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है डेसिमल नंबर, तो 235.1378 को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है, जैसे कि अभी किया था हमने। प्लेस वैल्यू का प्रॉब्लम देखो, 1, 10, 100, इट मीन 5 किससे मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 1/10, 3 किससे मल्टीप्लाई करें 10 से, प्लस 1/10, 100, 2 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई 100 से, प्लस डेसिमल के बाद में भी प्लस ही आएगा हमारे पास 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, प्लस 3 को 1/100, प्लस 7 को 1/1000, प्लस 8 को 10,000। क्लियर है? तो इसको जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे राइट करना है। तो आपको याद रखना है डेसिमल के बाद 1/10 से स्टार्टिंग हो जाती है, 1/10 मल्टीप्लाई 1/100, 1/1000, 1/10,000, और जो डिजिट होगी उससे मल्टीप्लाई करके आपको राइट करना है। और डेसिमल से पहले आपको पता ही 1, 10, 100, 1000, 10,000 and 100। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, 2.56, 21.37, 10.25। तो हमें किसकी प्लेस वैल्यू चाहिए इसमें, 2 नंबर, तो फर्स्ट में हमारे पास 2.56 है, डेसिमल से पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स इस केस में जो 2 की प्लेस वैल्यू है हमारे पास वो होगी 2 × 1, इट मीन्स 2,
सेकंड केस हमारे पास क्या है 21.37। अब इस केस में 2 की बतानी है हमें इस क्वेश्चन में 110। तो इसमें 2 किस प्लेस पर है 10 प्लस पर, इट मींस 2 किस से मल्टीप्लाई होगा 10 से, इट मींस 20। थर्ड केस हमारे पास है 10.25। अब देखिए इसमें 2 की बतानी है लेकिन ये डेसिमल के बाहर नंबर है तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 1/10। आपको पता है डेसिमल के बाद 1/10 से स्टार्टिंग होती है उसकी 10th प्लेस वैल्यू बोलते हैं, 10th, 100th, 1000 ऐसे सॉन चलता रहता है। तो 2 1/10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2/10, इट मींस अपॉन में कितनी जीरो है यहाँ पर 10, तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो 0.9, तो ये 2/10।